Today I'll start with the second part of integration by parts. Last day, just let's make a quick recall of integration u into v dx. Okay, so that was u into integration of v dx minus whole integration d dx of u into integration of v dx whole dx. Now, so that was our original formula where u is the first function and v is the second function. Today we are going to do a new format, that's integration e to the power x f of x plus f dash x dx. e to the power x f of x plus f dash x, मतलब इधर जो फंक्शन है उसके साथ अगर उसका डेरिवेटिव भी होता है तो इट्स स्ट्रेट अवे आंसर इज e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी. ओके, ये चीज रहा. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रूफ ऑफ दिस वन. द प्रूफ, यस, वी हैव टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन e टू द पावर x f of x dx plus integration e to the power x f dash x dx. So what we are going to do, इसमें by parts लगाएंगे, इस वाले portion में by parts लगाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे. So e to the power x is lower in the I leg, तो f of x be any function will be the first function. e टू द पावर x आईलेट में सबसे नीचे होता है तो एफ एक्स को ही फर्स्ट फंक्शन होना पड़ेगा. सो एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन, ओके, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होल dx, ये बचेगा प्लस इंटीग्रेशन, ये हमारा कॉपी पेस्ट हो गया, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी ऑल आर लेफ्ट विथ एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स. ये दोनों कैंसिल हो गया, देखिए प्लस एंड माइनस करके फाइनली, क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर है. सो दिस इज द प्रूफ जो अभी हमने थोड़े देर आगे बताया था. टेक फ्यू एग्जाम्पल ऑन दिस एक्सरसाइज और ऑन दिस फॉर्मैट. लेट्स से इफ आई गिव यू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स. सो हाउ वी आर गोइंग टू do this one. Okay, so let's say, we can say let f of x equals to sin x, so therefore f dash x is equal to cos x. Let us consider this equation as a, therefore equation a implies that its integration of f of x plus f dash x whole dx. तो finally इसका answer हमें पता है, e to the power x f of x plus c. हमने f of x क्या लिया है, e to the power x into sin x plus c, ये हमारा आंसर हो गया. ओके, प्रूफ अभी भी यहीं पर ही है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स वन बाई एक्स
माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेट दिस बी इक्वेशन वन. सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. सो इक्वेशन वन इम्प्लाइज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स. यस और नो? सो इट्स सल्यूशन विल बी वॉट? ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी. देयरफॉर दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस सी. हेंस दैट इज द सल्यूशन. मोर एग्जाम्पल्स, सपोज वी हैव इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स log x plus 1 by x dx, e to the power x log x plus 1 by x dx. So let this be equation 1. So now we have let f of x is equals to log x. So therefore f dash x is what? F dash x is equal to 1 by x. So whole equation implies it is integration e to the power x f of x plus f dash x dx. ये पूरा का पूरा equation हमारे standard format में आ गया. तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c. तो फाइनल आंसर इज e टू द पावर x इंटू log x प्लस c. ये हमारा आंसर हो गया. लेट्स से दिस इज फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं, ओके, सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड एग्जांपल में लेट्स से वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स. तो इन दिस केस लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स. इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हमारा माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स होगा. देयरफॉर द होल इंटीग्रेशन चेंजेस इनटू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स. दिख रहा है सबको कि हमारे उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया. तो इसका जवाब तो हमें पता है कि क्या होगा, ई टू द पावर एक्स f of x plus c. तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा e to the power x into cot x plus c. ये हमारा जवाब हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स से वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x sin inverse x प्लस वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो अगेन लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. सो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. सो द होल इंटीग्रेशन, okay, the whole integration changes into e to the power x f of x plus f dash x dx.
मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारा जवाब हो गया। एक और प्रश्न लेते हैं। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 बाई 4x² इंटू ई टू द पावर 2x dx। तो हम ऐसा करते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू z, देयरफॉर 2dx इक्वल टू dz। तो हमारे पास दिस होल थिंग बिकम्स z-1 बाई z² इंटू ई टू द पावर z, और dx की जगह dz बाई 2। देखिए dx हो जाएगा dz बाई 2, 2x की जगह z, इधर भी देखिए 2x की जगह z-1। तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर z 1 बाई z-1 बाई z² dz, और सामने एक हाफ आ जाएगा, ये dz बाई 2 का हाफ सामने, e टू द पावर z इधर, और इधर इंडिविजुअली डिवाइड किया z बाई z² 1 बाई z-1। तो ये हमें दिख रहा है, ये f ऑफ x है और ये f ऑफ z है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो हम स्ट्रेट अवे इसका आंसर लिख देते हैं, 1/2 ई टू द पावर z इंटू 1/z प्लस सी, जिसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x बाई z की जगह 2x, तो ये 4x प्लस सी। स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x e to the power x whole divided by x plus 1 का whole square dx। अब देखिए हम लोग इसको कैसे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे। लेट्स से वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, माइनस 1 कर देते हैं, by x plus 1 का होल स्क्वायर dx। अब दिख रहा है हम इसको अगर इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो 1 by x plus 1 minus 1 by x plus 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे e टू द पावर x रहेगा, इंटू ई टू द पावर x dx। तब देख रहा है लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 by x plus 1, तो देयरफॉर f डैश x हमारे पास -1 by x plus 1 का होल स्क्वायर हो गया, राइट। देयरफॉर लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज व्हाट, इट बिकम्स होल इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर x, f ऑफ x क्या है, 1 by x plus 1 प्लस c। तो फाइनल आंसर विल बी e टू द पावर x by x plus 1 plus c। Let's start another example again. We have integration of 2 plus sine 2x whole divided by 1 plus cos 2x into e to the power x
dx. So see what we are going to do. Upar 2 will be 2. Sin 2x is 2 sin x cos x whole divided by 1 plus cos 2x. Kitna hoga 1 plus cos 2x? 2 cos square x into e to the power x dx. I'll individually divide them. I'll show this step. 2 by 2 cos square x plus 2 sin x cos x by 2 cos square x into, इसको हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, e टू द पावर x dx. तो गौर से देखिए, 2 2 कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद sec स्क्वायर x. 2 2 कैंसिल, एक cos x चला जाएगा. ओके, तो वी आर लेफ्ट विद sin x बाई cos x विच विल बी tan x. ये आप लोग सॉल्व करके देखिए. तो e टू द पावर x dx. सो नाउ अगेन देयरफॉर लेट f ऑफ x क्या लेंगे, दिख रहा है, tan x लेना पड़ेगा. तो देयरफॉर f डैश x विल बी sec स्क्वायर x. इफ आई नेम दिस वन एज इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज व्हाट, इट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x dx. तो दैट विल बी e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c e टू द पावर x इंटू tan x प्लस c. So that is the final answer.